हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है, थोड़ा इसे समझने में भी प्रॉब्लम होती है और कुछ स्टूडेंट्स बहुत इजी वे में से सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में टू एग्जांपल्स हैं और टू ही क्वेश्चंस, लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इसमें बेसिक मैं आपको रिकॉल करूं, बेसिक नॉलेज जो है वो रिकॉल करूंगा और जो आपने अच्छी तरह से लास्ट एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 में कर रखा है तो यहां वही 1.4 में भी वही है, बट इसमें हमें यूज करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। आप लोग स्टार्टिंग से ही करते चले जा रहे हैं, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप सभी को पता है और ये आप लोग करते भी आ रहे हैं, बट ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड क्या है, इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे आप क्या कर रहे थे कि रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक इसमें एक क्या करते थे रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक इसमें कैसे थे रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसी में रिपीटेशन क्या था अलाउड था और किसी में रिपीटेशन नॉट अलाउड था, रिपीटेशन नॉट अलाउड और किसी में रिपीटेशन क्या था अलाउड, तो ये आप सभी जानते हैं। अब ये जो मेथड है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कुछ में बेसिक जो रिकॉल कर रहा हूं जो आपको यहां समझा रहा हूं वो थोड़ा प्यार से समझना कि ये सब कैसे हो रहा है और इसमें क्या चलता है, थोड़ा ध्यान से देखना कि है क्या। जैसे एक हमने कोई नंबर लाइन ले ली, अब आपको पता है इस नंबर लाइन पे हमारे पार्ट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो हमने यहां हमारा जैसा बोर्ड है उस हिसाब से मैंने ले लिया। अब आपको पता है 1 और 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5 और 5 एंड 6, 6 एंड 7 के बीच में कितने पार्ट होते हैं हमारे 10 पार्ट होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी 10 पार्ट होते हैं। अब इन 10 पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो सपोज दैट हमने यहां ले लिया 1 एंड 2, यहां 1 ले लिया, हमें 10 पार्ट लेने हैं भाई तो कुछ तो करना होगा। देखिए हमारा जो बोर्ड है इसका साइज थोड़ा सा कम है तो आप लोग समझेंगे ध्यान से, यहां 1 है और यहां 2 है, अब इसके बीच में 10 पार्ट ले रहे हैं, वो 10 पार्ट कौन कौन से होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बट बीच में हमने ऐसे कितने टाइम डिवाइड किया है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से देखेंगे इसे हमने कितने टाइम डिवाइड किया, 9 टाइम्स। तो अब यहां कितना होना चाहिए,
यहां कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्स थोड़ा सा ध्यान से समझना कि हमारा हम किसके मिडिल में टेन पार्ट ले रहे हैं, वन एंड टू में, तो इसका इससे इसे माइनस कीजिए। जब वन एंड टू में ले रहे हैं, यहां देखेंगे इसके लिए फार्मूला होता है d इक्वल दिस माइनस दिस, टू माइनस वन अपॉन टोटल कितने टाइम्स से हमने डिवाइड किया मिडिल में, नाइन टाइम्स, और यही वन उसमें वन प्लस कर देंगे, नाइन प्लस वन, यानी कि ये वन ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, टू में से बन जाएगा वन, वन अपॉन टेन, और टेन से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.1 कितना आ गया, 0.1। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहां वन में ये 0.1 प्रत्येक जितनी जगह से हमने कट किया है और जितनी जगह हमने इसे रिप्रेजेंट किया है, ये 0.1 हम इसमें क्या करते चले जाएंगे, प्लस करते चले जाएंगे 1.1, फिर ये 0.1 अब इसमें प्लस कीजिए तो यहां हो जाएगा 1.2, यहां हो जाएगा 1.3, यहां हो जाएगा 1.5, यहां हो जाएगा 1.5, यहां हो जाएगा 1.6, यहां हो जाएगा 1.7, यहां हो जाएगा 1.8, और यहां हो जाएगा 1.9, और जब इसमें 0.1 प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये करेंगे, अरे सर इसमें क्या हमें नया बता रहे हो, इस फार्मूले को बताने की क्या जरूरत थी, हम तो करते तो हम तो ओरली ऐसे ही कर देते है, पता है आप लोग कर देते, बट कुछ लोग नहीं कर पाते। अब एक बात है, अगर आप लोग कर देते, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भैया हमें ये बताइए, अब जैसे हमें मान लो हमें लेना है 1.75, अब ये कहां होगा, आप कर लेते तो 1.7 कहां होगा, तो आप लोग कह देते अरे सर 1.7 और 1.8 के बीच में होगा, तो इसके भी तो, लेकिन जो हमारा क्या है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड क्या कहता है कि अब हम इसके भी 10 पार्ट करेंगे, इस 1.75 को शो करने के लिए हम इसके भी 10 पार्ट करेंगे, तो 1.75 ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, 1. क्या है हमारा 7, और यहां कितना होगा हमारा 1.8। भैया इन्हीं दोनों के बीच में तो हम 10 पार्ट करेंगे, क्या समझ में आ रहा है, तो देखें कि यहां 1.7 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम ज्यादा आगे पहुंच गए, तो यहां हो गया 1.8। अब यहां देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, कितनी बार हमने किया है डिवाइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। अब ये जो हम डी डिफाइन करेंगे तो डी भी यहां भी डिफाइन करेंगे, अब हमें इसमें कितना प्लस करना चाहिए, वो डी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना। अब आप बताओगे, आप तो कहोगे सर यहां क्या कर देंगे 1.71, 1.72, लेकिन ये आएगा कैसे ये भी तो देखना है, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे, और ये माइनस क्यों करते हैं, इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उनमें आपको कंफर्म हो गया होगा, और नीचे तो ये 9 पार्ट है और 9 प्लस 1, जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 हो गया। अब 0.01 सभी में ऐड करेंगे, जब इसमें 0.01 ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 1.71, 1.72, 1.73, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, अब 1.7 गलत हो गया कहीं ना कहीं, भैया पक्का गलत हुआ है, 4 नहीं लिया हमने, देखो है 4, 5, 6, 7 यहां आ जाएगा 8, और यहां आ जाएगा 9, और जब इसमें हम 0.01 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8। अब
अब देखें आपका 1.7 कहां, 5 कहां है, 1.75 हमारा ये रहा, इसे नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो कुछ समझ में आया कि जैसे हमने बात की थी 1.75, तो 1.75 कहां आएगा, इन दोनों के बीच में, समझ में आ रही है। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने इनके टेन पार्ट कैसे करते हैं, इसे सो कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं हम लेते 1.786 या 1.1 लेते 796, तो 796 कहां आता, यहां, तो इन दोनों के बीच में होता। 1.786 तो इन दोनों को लेते, फिर इनके बीच में 10 पार्ट करते और वही बात, वही काम करते, इसमें से माइनस करते अपॉन 9+1, तो इसमें 1 इंक्रीज होता जाता। आपने क्या देखा कि यहां जो है उसमें 1.1 जो कुछ है उसके आगे 1 ऐड करते जाइए, यहां 7 था तो 7 1 7 2 दिखाई दे रहा है भाई, यहां तो केवल क्या था हमारे पास, 1 था तो 1.1, फिर 1.2 1.3 इंक्रीज करते चलेंगे, यहां क्या था 1.71 तो 7 के आगे 1 आ गया, फिर 7 के आगे 2 आ गया, 7 के आगे 3 आ गया, ऐसे ही कुछ और लेते हैं। सपोज अगर आप, अब हम ले रहे हैं 1.787, हमें ये शो करना है 1.787। अब क्या करेंगे हम, 1.787 कहां होगा, यहां होगा इन दोनों के बीच में, तो अब हम इन दोनों को लेंगे, यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। 1. यहां कितना है 78, यहां है 1.78, यहां कितना है 1.79, 1.79। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब यहां कितना है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे 1 ऐड करते जाएंगे 1.781, फिर यहां कर देंगे 1.782, 1.783, हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, यहां हो जाएगा 1.784, 1.785, 1.786, ऐसे यहां हो जाएगा 1.787, 1.788, 1.789। अब जब इसमें वही 001 होगा जब ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये आपके अच्छे समझ में आ गया। और ये ध्यान रखना, ये जो भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम नीचे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर कभी नहीं करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि हमें इसे हमेशा हमेशा नीचे ही शो करना है। तो देखिए हमने सभी जगह नीचे शो किया है, तो यही आप लोग भी करेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड है उसके हिसाब से इसे हम डिवाइड कैसे करते हैं 10 पार्ट में। तो 10 पार्ट में डिवाइड हमने बता दिया कि इसका प्रोसेस क्या है, कि जो जिसके बीच, जिसके मिडिल में हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसके मिडिल में हम, जैसे यहां हमने डिवाइड किया 1 और 2 के बीच में, किसके बीच में डिवाइड किया, 1 और 2 के बीच में 10 पार्ट लिए, तो 2 हमने क्या किया, 1 और 2 ले लिया, इनके बीच में 10 पार्ट ले लिए, तो 2 - 1 / 9 + 1 तो क्या गया 0.1, तो 0.1 हम सभी में ऐड करते चले गए। ऐसे ही हमने यहां देखा, हमने यहां लिया 1.7 और 1.8 के बीच में, तो क्या किया हमने 1.8 - 1.7 / 9 + 1 अपॉन क्या, अब इससे क्या, तो यहां क्या गया 0.001, अब ये 0.01 हम जब सभी में ऐड करते चले गए तो देखो ये आता चला गया। एक अपना जनरली भी इसे कर सकते हैं, अब यहां देखो, यहां हमने क्या किया था, हम इसमें से इसे माइनस करते ना, जब इसमें से इसे माइनस करते, डिफाइन करते, तो 1.79 - 1.78 अपॉन 9 + 1, तो जब यहां ऐड करते तो यहां आ जाता 0.01 ये आ जाता अपॉन 10, 10 से डिवाइड करते तो ये हो जाता 0.001, तो आपको पता है यही आता। मैं समझ रहा हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसका एक एग्जाम्पल, हम आपको 2 एग्जाम्पल समझाएंगे, एक अपना रेशन नंबर का लेंगे और एक रेशन नंबर का वो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउड होता है।
टू टाइप्स के क्वेश्चन है, टू टाइप्स के एग्जाम्पल्स हैं, कर लेंगे आप लोग। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं अपनी तरफ से, लोकेट 2.765 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। इसे हमें लोकेट करना है। तो एक बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये जो नंबर है 2.765 ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 है। तो सबसे पहले जो हमारा, जब इसे हम मैग्नीफाइड करेंगे तो सबसे पहले जो हम 10 पार्ट करेंगे वो किसके करेंगे, चूंकि ये ग्रेटर देन क्या है 2 है और लेस देन 3 है, तो 2 और 3 के बीच में करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ले लें, टू और 3 लेंगे। चलो अभी नहीं, टू और 3 नहीं लेते, यहां ले लेते हैं 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4 +5। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया। अब ये 2.75 आएगा कहां, डेफिनेट 2 और 3 के बीच में होगा। लो भैया 2 और 3 के बीच में होगा, मैग्निफाइड कर दिया। अब एक काम कीजिए भैया, 2 और 3 के 10 पार्ट कीजिए, यहां 2 ले लो, यहां 3 ले लो, अब डिवाइड नहीं करेंगे। अब आपको पता है क्या आएगा, 2.1 2.2 2.3 2.4 आप जानते हैं क्या आएगा, 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9। अब आपने क्या देखा भैया, ये 2 यहां आ गया, ये 2 यहां आ गया, ये 3 यहां आ गया। अब हमें मैग्नीफाइड किसे करना है, हमारा है 2.76, यानी कि अब हमें जो मैग्नीफाइड करना है 2.7 और 2.8 को करना है। समझ में आ रहा होगा, कभी 2.76 इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो अब हम यहां फिर इसके 10 पार्ट करेंगे भाई, यहां आ जाएगा हमारा 2.7, ये 2.7 आ गया, यहां 2.8। अब इसमें फिर वही सिस्टम, 2.71 2.72 2.73 2.74
2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79 और आगे जब इसमें करेंगे तो 2.8 ही आ जाएगा। अब देखें ये 2.7 आपका ये आ गया, 2.8 ये आ गया, और जब हमने इसे मैग्नीफाइड किया अब हमें क्या चाहिए 2.76, तो 2.76 ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए 2.765, तो 2.765 कहां होगा, इन दोनों के बीच में होगा 765। अब इसे हम मैग्नीफाई करेंगे, ये आ गया भाई, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसे करेंगे वो सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, यहां कितना आ जाएगा 2.76, यहां आ जाएगा 2.77, लास्ट में अब इसके 10 पार्ट वो 2.76, 1, 2.76, 2, 2.76, 3, 2.76, 4, 2.76, 5, 2.76, 6, 2.76, 7, 2.76, 8, 2.76, 9, देखें क्या 10, 9 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है हमारा सही है, हमने कर दिया। अब देखो ये 2.6 है, ये 2.7 है, जब हमने इसे मैग्नीफाइड किया तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 2.765, दिस हो गया, ये है हमारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो इसे हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, किसे 2.765, समझ में आ गया, ये है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। मैं समझता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे क्वेश्चन में, और फिर उसे सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे थे। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखें, अगर यहां होता 2.7654 तो क्या करते, इन दोनों को मैग्नीफाइड करते भैया, 2.765 किसी के आगे तो आता 4, तो आप समझ गए इन दोनों को मैग्नीफाइड करते, तो मैं समझता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का एक क्वेश्चन और देखें, और ये क्वेश्चन होने के बाद ओ बहुत कुछ समझ में आएगा। हमने यहां बार लगा दिया, अब कहोगे सर बार लगा दिया अब क्या करेंगे, देखो बार लगाएंगे तो आपको पता है 2.7 बार इक्वल क्या होगा 2.777। तो आप लोग ध्यान रखें, जब ये रिपीटेशन होगा, क्या होगा रिपीटेशन, तो उस समय हम क्या करेंगे, उसे ओनली 5 टाइम लेंगे, बस 5 टाइम बहुत है, 5 टाइम लेंगे और 5 टाइम के बाद उसे हम शो कर देंगे, 6 टाइम लेने की आवश्यकता है नहीं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर यहां 0, -1, -2,
वन टू थ्री फोर फाइव काफी है। अब ये टू पॉइंट जो सेवन है टू और थ्री के मिडिल में आएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन मेथड कहता है कि हाँ हो। अब इसे फिर हम मैग्निफाई करेंगे टू और थ्री को, टू और थ्री को जब मैग्निफाई करेंगे तो यहां कितना होगा टू, फिर टू पॉइंट वन, टू पॉइंट टू, टू पॉइंट थ्री, टू पॉइंट फोर, टू पॉइंट फाइव, टू पॉइंट सिक्स, टू पॉइंट सेवन, टू पॉइंट एट, टू पॉइंट नाइन और यहां होगा थ्री। अब जब इसे मैग्निफाई करेंगे, टू और थ्री को हमने मैग्निफाई कर दिया भैया, टू ये आ गया कोई बात नहीं, थ्री ये आ गया कोई बात नहीं, अब क्या है टू पॉइंट सेवन है और टू पॉइंट सेवन ये रहा और आगे भी सेवन है, तो यानी कि अब हम इन दोनों को मैग्निफाई करेंगे तो अब फिर क्या होगा और कितने टाइम करेंगे फाइव टाइम्स, हमारा जहां तक हो जाएगा वहां तक हम कर देंगे, फिर आगे आप लोग खुद ही करेंगे। टू पॉइंट सेवन, टू पॉइंट सेवन वन, टू पॉइंट सेवन टू, टू पॉइंट सेवन थ्री, टू पॉइंट सेवन फोर, टू पॉइंट सेवन फाइव, टू पॉइंट सेवन सिक्स, टू पॉइंट सेवन सेवन, टू पॉइंट सेवन एट, टू पॉइंट सेवन नाइन, अब यहां कितना आएगा टू पॉइंट एट, कितना आएगा टू पॉइंट एट। अब ये टू पॉइंट सेवन ये रहा, टू पॉइंट एट ये है आपका, अब क्या चाहिए आपको टू पॉइंट सेवन सेवन, तो टू पॉइंट सेवन सेवन ये रहा, अब इसके बीच में फिर क्या है टू पॉइंट सेवन सेवन, यानी कि अब इन दोनों को मैग्निफाई करेंगे भैया, यानी कि टू पॉइंट सेवन सेवन टू पॉइंट एट, भाई क्या बताएं, अगर नहीं आ रहा होगा दिखाई ना दे तो ध्यान रख दिखाई देगा भैया, टू पॉइंट सेवन सेवन और टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सेवन एट, अब यहां हो जाएगा टू पॉइंट सेवन सेवन वन, टू पॉइंट सेवन सेवन टू, टू पॉइंट सेवन सेवन थ्री, टू पॉइंट सेवन सेवन फोर, टू पॉइंट सेवन सेवन फाइव, टू पॉइंट सेवन सेवन सिक्स, टू पॉइंट सेवन सेवन सेवन, टू पॉइंट सेवन सेवन एट, टू पॉइंट सेवन सेवन नाइन, ये फिर आ जाएगा टू पॉइंट सेवन। हमने टू पॉइंट सेवन सेवन, टू पॉइंट सेवन एट एट, अब हमें क्या चाहिए टू पॉइंट सेवन सेवन सेवन, तो टू पॉइंट सेवन 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 ये रहा और टू पॉइंट सेवन सेवन एट, अब उसके बाद भी थ्री टाइम्स के बाद फोर, यहां भी क्या है सेवन ही है, तो अब इन दोनों को करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसे हम और कर देते हैं लास्ट आप ही करेंगे, लास्ट आप ही करेंगे ठीक है। टू पॉइंट सेवन सेवन सेवन, टू पॉइंट सेवन सेवन लिखने में बहुत दिक्कत होगी अब की बार, टू पॉइंट सेवन 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 और यहां होगा टू पॉइंट सेवन सेवन ये टू पॉइंट पता नहीं क्लियर आएगा या नहीं आएगा, टू पॉइंट सेवन सेवन एट, देखें भाई यहां हो जाएगा, हम एक थोड़ा सा नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, टू पॉइंट सेवन 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 वन, टू पॉइंट सेवन 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 टू, टू पॉइंट सेवन सेवन थ्री, टू पॉइंट
7774, 2.7775, 2.7776, 2.777, फिर 2.7778, फिर 2.7779। अब आप देखें ये हमारा मैग्निफिकेशन मेथड है। अब क्या है फिर भैया 2.778, अब एक टाइम और सेविन चाहिए, वो इन दोनों के बीच में आएगा। अब इसे फिर करेंगे तो वो आप लोग कर लेंगे लास्ट में, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ गया भाई, रिप्रेजेंट कर देंगे उसे, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके, और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो टू टाइप्स के क्वेश्चन है, एक तो इसी टाइप का है और एक इससे पहले जो कराया था, बट उसमें पॉइंट्स के बाद कितने हैं, 4 डिजिट है, तो वो आपको 4 है तो ऐसे कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान भी है, बट इसे लोकेट करना, जो हम लोकेट करते हैं तो वहां में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहां स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये टिपिकल नजर आता है, बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब इसे हमें लोकेट कैसे करना है, तो बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ओके okay?